सकती है। और यहाँ जो है सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ऑफलाइन आपके लिए 8 कदम आगे आता है, सपोर्ट करता है, यस या नो? और अगर हमारे साथ जो है सपोर्ट है और सिस्टम है तो हम सक्सेस ले सकते हैं, यस या नो? दोस्तों हमारा सिस्टम जो है वन गोल वन पैशन और वन टीम के साथ काम करता है। और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने अपना अपना मोबाइल फोन साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे ना रखते हुए स्विच ऑफ नहीं किया तो प्लीज आप सभी लोग जो है आप अपना अपना फोन साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे ना रखते हुए स्विच ऑफ कर ले, क्योंकि आज जो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ से आप अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा जो है इतिहास लिख सकते हैं, बहुत बड़ा अपने जिंदगी में जो है एक चेंजिंग ला सकते हैं। और आपकी एक छोटी सी रिकॉल से आपके बगल में बैठे किसी भी एसोसिएट या व्यक्ति को डिस्टर्ब ना हो तो प्लीज आप सभी लोग अपना अपना फोन जो है प्लीज बंद कर लीजिए। क्या मैं यकीन करूं सभी का फोन बंद हो गया? yes. तो दोस्तों नेक्स्ट करो, दोस्तों यहाँ आता है आर वी रेडी टू फेस द फ्यूचर सर्वे रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि ये हम नहीं बता रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि क्या हम लोग जो है समय को यानी फ्यूचर को फेस करने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग फ्यूचर को फेस करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों यहाँ बताता है कि 1960 का जो जमाना था आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट बताता है कि 1960 में जो है एक घर परिवार को चलाने के लिए कितने की जरूरत पड़ती थी? 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? क्योंकि 1960 के जमाने में जो है कोई फैशन और कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, हम सादा जिंदगी जीते थे, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, कोई फैशन और कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए 100 रुपए में घर चल जाता था, यस या नो? लेकिन जैसे ही 20 साल बाद 1960 के बाद 80 आता है तो उसी परिवार को चलाने के लिए आपको यहाँ 1000 रुपए की जरूरत पड़ती है, यस या नो? क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ जो है अब फैशन आ चुका था इसलिए, और पहले जो है 1960 में जो लोग एक साथ रहते थे फिर अलग अलग रहने लगे, फैशन आ गया इसलिए खर्चा बढ़ गया। वैसे ही हमने 1980 नहीं देखा लेकिन सन 2000 जो है यहाँ बैठे हर व्यक्ति लगभग देखा होगा, यस या नो? तो आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ आज से 19 साल पहले जो व्यक्ति 10,000 रुपए की इनकम करता था वो उस इनकम से खुश था, लेकिन आज के जमाने में अगर हम 10,000 रुपए की इनकम कर रहे हैं तो क्या उस इनकम से हम खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज 10,000 में कुछ नहीं होता, लेकिन आज से 18 साल 20 साल पहले 10,000 का एक वैल्यू था, हमारा घर परिवार चल जाता था। वैसे ही आता है फिर अभी जो है प्रेजेंट में कितना चल रहा है? 2019, यस या नो? अभी आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 2020 आने से हम रोक सकते हैं? No. नहीं रोक सकते, समय को जो है कोई नहीं रोक सकता। अभी आने वाले एक साल में जो है सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि आपको जो है यहाँ कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है? 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों मैं अब सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जिस क्षेत्र में जिस भी बिजनेस में या जिस भी नौकरी में लगे वहां से हम आने वाले एक साल के अंदर क्या 1,00,000 रुपए की इनकम कर सकते हैं? कर सकते हैं, कुछ लोग कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम 1,00,000 की इनकम कर भी सकते हैं तो उस इनकम से हम अपने जो है ड्रीम पूरा नहीं कर सकते, सपने पूरा नहीं कर सकते, उस 1,00,000 रुपए से एक घर ही चलेगा, यस या नो? लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से जिस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, यहाँ सर्वे रिपोर्ट आपको बता रहा है कि आपको समय के साथ चलने के लिए आने वाले एक साल के अंदर महीने की 1,00,000 रुपए कमाने की जरूरत है, लेकिन मैं एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर आप यहाँ काम करके 3 to 5 years आप काम करके और यहाँ से आप समय से बहुत आगे चल सकते हो, यानी आप यहाँ हफ्ते का 2,00,000, महीने का 8,00,000 और साल का 1,04,00,000 रुपए कमा सकते हो। फिर दुनिया में जो है यहाँ बताया गया देयर आर 4 types of people, यानी दुनिया में जो है 4 category के लोग होते हैं, यस या नो? दोस्तों मैं आप सभी से जो है मैं नहीं बताऊंगा, आप सब लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि आप इस 4 category में से
किस कैटेगरी में आना चाहता है चाहते हैं या किस कैटेगरी में है, मैं आप सभी को बताऊंगा नहीं। सबसे पहले क्या आता है, नो मनी लॉट ऑफ टाइम, यानी दुनिया में जो है चार कैटेगरी के लोग होते हैं मनी और टाइम के मामले में। सबसे पहला आता है नो मनी लॉट ऑफ टाइम, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन समय बहुत सारा है। फिर दोस्तों मैं बताऊंगा नहीं, आप सभी खुद सोचना कि आप किस में आते हो। दूसरा आता है लॉट ऑफ मनी नो टाइम, उसके पास पैसे बहुत सारे हैं लेकिन उसके पास जो है समय नहीं है, नो टाइम, उसके पास जो है समय की गरीबी नहीं है। फिर आता है तीसरे नंबर पे आता है नो मनी नो टाइम। अभी ये भी आप लोग खुद सोच लेना, भाई ये कौन सा दुनिया में ये इंसान घूम रहा है, इसके पास पैसे भी नहीं है और समय भी नहीं है, यस या नो। चौथे कैटेगरी में आता है लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम। अभी आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको आज यहां जिंदगी में मौका मिले तो आप इस चार कैटेगरी में से किस कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे? सभी लोग प्लीज लाउडली सभी लोग बोलेंगे। अभी जैसे आप सभी ने बहुत अच्छी बोला कि हम फोर्थ कैटेगरी में जाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन हम बोलने से ही फोर्थ कैटेगरी में नहीं जा सकते। क्या आप जहां जिस दुकान में जिस नौकरी में जिस प्रोफेशन में लगे हैं क्या वहां से आप लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ टाइम ले सकते हैं जिंदगी में? नहीं ले सकते। लेकिन वहां आपके पास कोई सिस्टम और कोई जो है प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ आप 3 to 5 इयर्स जो है सिस्टम को फॉलो करके और जिंदगी में सारा कुछ आप अचीव कर सकते हैं। फिर ये है जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, शुरुआत हुआ था हमारी कंपनी का 2001 में। और आज जो है हमारी कंपनी का सिंगल हेड ऑफिस है A324 न्यू दिल्ली जनकपुरी में। और आज हमारे कंपनी का जो है 19 ईयर रनिंग है, कितने साल 19 ईयर रनिंग चल रहा है। और आज हमारे सिस्टम के अंदर 80 लाख से ज्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ आज हजारों लोग जो है जो रॉयल्टी यानी हफ्ते की 2 लाख की जो हम बात करते हैं, एक दो नहीं, आज हजारों नहीं कई हजार लोग यहाँ जो है रॉयल्टी ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के बाद फिर से दोबारा चाहता हूँ कि हमारे सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी